हिमाचल प्रदेश जिसनों देवभूमि भी कहा जाता है, इस थान पर कई इतिहासिक अते धार्मिक मंदिर वड्डी गिनती विच मौजूद हैं। लेकिन अज असी तुहानू जिस मंदिर के दर्शन दीदार कराउण दे लई लैके जा रहे हां, उत्थे भगवान श्री कृष्ण की एक अजिही मूर्ति है जो राजस्थान तो चल के हिमाचल के इस नूरपुर इलाके विच आई। आखिर यह मूर्ति किवें इस थान पर आई, इस सब जानने के लिए असी तुहानू लैके जा रहे हां उस नूरपुर ब्रजराज स्वामी के मंदिर। यहाँ पे ये जो विग्रह कृष्ण जी का, इसकी पूजा किया करती थी मीराबाई चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा जगत सिंह, वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के मंत्रण पर 1619 से 1623 के मध्य में। जब वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के मंत्रण पर, तो वहाँ पे जो उनको रहने के लिए कमरा दिया गया था, उसके साथ में ही मंदिर था। रात में मंदिर में घुंघरुओं की आवाज़ें और भजन कीर्तन की धुन जो थी वो सुनी थी राजा जी ने। जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक औरत जो है भजन कीर्तन करते हुए नाचते हुए दिखाई दी उन्हें। फिर जो पुरोहित था वहाँ पे, उसने बताया कि ये जो भजन कीर्तन कर रही है, नाच रही है, ये मीराबाई है, और ये जो विग्रह है ये मीराबाई और कृष्ण जी का स्वरूप है। ये जब यहाँ से वापस जाना है तो उपहार में यही राजा जी से मांग लेना। तब उन्होंने उपहार के तौर पे यही विग्रह जो था वो मांग लिया था और ला के फिर उन्होंने अपने ही दरबार में यहाँ पर स्थापित किया था। ये दरबार एक खास था राजा जी का। इसके साथ एक मौलसरी का पेड़ आया था जो अभी वो सूख गया है, लेकिन उसके ही ग्राफ्टिंग करके दो नए लगा दिए गए। इनके चरणों में जो है वो पद्म चक्र है। पद्म जो थी वो मणि थी पांव के नीचे, जहाँ पे भील ने, शिकारी ने जो तीर मारा था जिस स्थान पे लगा था, वो स्थान सिर्फ इसी विग्रह में है और कहीं भी नहीं है। क्योंकि ये मीरा जी द्वारा ही पूजा हुआ है, तो मीरा जी ही इसी की पूजा करती थी। तो इनके साथ जो है वो राजा जी ने मीरा जी की ही अष्ट धातु की विग्रह जो था वो बनवाया था और साथ में स्थापित करवाया था। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे एक शांति सी मिलती है। हम लोग थर्ड टाइम आए हैं यहाँ पे, दो तीन साल पहले आए थे तो हमें ऐसे घर जाने के बाद लगे कि एक बार फिर से जाएं। तो हमारा एक रूटीन ही बन गया हर साल आने का। इतना अच्छा लगता है यहाँ आने का कि लगता है कि ठाकुर जी खुद ही कृपा करके बुला लेते हैं। हम लोग एक दो बार पहले भी आ चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और हमें लगता है कि हम हर साल यहाँ पे एक बार तो आना चाहिए, क्योंकि बहुत आध्यात्मिक शांति मिलती है हमें यहाँ पे। इतनी अटैचमेंट लगती है कि जैसे ठाकुर जी यहाँ पे स्वयं विराजमान है, और मीरा जी का है तो वो तो वैसे ही भक्त हैं उनकी, तो उनका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी का यहाँ पर दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी के बारे में जब सुना कि ये मीरा जी के हैं और ये नूरपुर के जो राजा थे वो वहाँ से लेकर आए थे या उनके साथ आए थे, तब से मन में बड़ी इच्छा थी दर्शन करने की। तो हर साल बड़ा बहुत मन करता है, तो इन दिनों में हम आते हैं जी। ये हमारी तीसरी विजिट है और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आके। ये हमारा ब्रजराज स्वामी जी का मंदिर है और ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ हर मंदिर में कृष्ण जी के साथ राधा की मूर्ति पाई जाती है, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जो कि जिसके साथ मीराबाई विराजमान है। जो ये मंदिर, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, बड़े दूर दूर से हर प्रांत से श्रद्धालु यहाँ, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बाहर से स्टेटों से और बाहर, जैसे कि अमेरिका, जर्मन, यहाँ से भी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी उन आस्था से जुड़े हुए हैं इस मंदिर की। और जो हमारे यहाँ मंदिर में एक ट्रस्ट बनी है, काफ़ी समय, 4-5 साल पहले ट्रस्ट बनी थी। ट्रस्ट बनने के बाद मंदिर में बहुत ज़्यादा डेवलप इन्होंने किया है ट्रस्ट वालों ने, और मंदिर की जो दशा है उसको निखारा है इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, और बड़े अच्छे ढंग से कार्य चला हुआ है। हर इतवार को यहाँ मंदिर ट्रस्ट की ओर से लंगर लगाया जाता है, जो कि मंदिर ट्रस्ट ने निर्णय लिया था। अच्छा लग रहा है, दूर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ की गई है, बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ हमारे सुबह शाम दो टाइम यहाँ भजन कीर्तन होता है, जो कि शहर के लोग और बाहर से लोग भी यहाँ भजन कीर्तन में जुड़ते हैं। जो हमारी मंदिर की कमेटी है, ये अगस्त 2018 को बनी थी, और उसके बाद जो मंदिर के कार्य जो हैं वो कमेटी की देखरेख में हो रहे हैं।
और इसमें जो त्यौहार जो मनाए जाते हैं, होली का उत्सव है, हमारे जन्माष्टमी जो है वो स्टेट लेवल की जन्माष्टमी है और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है और इसमें बहुत तादाद में लोग जो है यहाँ पे आते हैं और आए दिन कोई ना कोई त्यौहार यहाँ पे चला रहता है। जैसे बैसाखी है, मकर संक्रांति है, वो भी हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हर रविवार को यहाँ पे लंगर का आयोजन जो है वो कमेटी द्वारा किया जाता है। तो ऐसी ब्रजराज स्वामी का वह मंदिर जिथे भगवान श्री कृष्ण के नाल मीराबाई की मूर्ति विराजमान है। नूरपुर तो जतिन शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।